कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटे तक चलने वाली इस मुलाकात के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान को भागवत गीता भेंट की। इससे पहले अखिलेश यादव के दूध बंद कर सीतापुर जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। आजम खान ने उनसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम से आजम खान का मुलाकात करना कई सियासी संकेत दे रहा है। लगता है कि आजम खान भी ये समझ चुके हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया अब उस पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं बाकी रह गई है। बहरहाल प्रमोद कृष्णम ने आजम खान से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से बात की। मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है, आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई, क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म के जीत का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने मेरी दी हुई गीता, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जब जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊंगा, सियासत पे चर्चा तब होगी। कांग्रेस में शामिल होने पर ना मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ ना उन्होंने परिवार का और उन मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्कि धाम भी आते थे, आज वो संकट में है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं, इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशान साधा, आपने कहा कि इस्तीफा जब आप बोल रहे हैं तो देखिए इस तरह की कोई बात आप राजस्थान की बात अब दिल्ली में करेंगे, यहाँ तो आजम खान की बात करेंगे।